भारत सरकार ने पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने जिस तरह से पीएफआई को बैन किया है, उससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में अगर लिप्त होगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संगठन देश की सीमा व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई संगठन पर छापे के दौरान जिस तरह से सामग्री बरामद हुई है, उससे सिद्ध होता है कि वह पूरी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और देश के खिलाफ कार्य कर रहे थे। ऐसे कार्रवाई का हम सभी स्वागत करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिस प्रकार के फैसले लिए हैं, देश के अंदर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा, उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की सुरक्षा के साथ, देश के सीमा के साथ खिलवाड़ करता हो। ऐसे तत्वों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में छापामारी के बाद जिस प्रकार के सामग्री उन वहाँ से बरामद हुई है, जिस प्रकार से उनके पास से पत्रक और चीज़ें उनके पास से बरामद हुई हैं, वो निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूर्णतया लोग लिप्त हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए।